धुना पे थोड़ा सा भी बल लगा दूंगी, उसके नाम से क्रिया कर दूंगी ना, तो वो कभी खून मेरा मैं चाहू तो जो मेरे से कुछ करे तो माँ से तंत्र विद्या करके मैं तुरंत खत्म कर सकती। पर मेरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार मैं अघोरी औघड़ नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, तांत्रिक होते हैं, शमशान में जो क्रियाएं करते हैं उनकी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आपको पता होगा, शायद आपने पहले भी मेरे चैनल पर इनकी वीडियो देखी होगी, जो कि जिनका नाम है मंजू पूजा अघोरी। पहले जैसे वीडियो में इन्होंने जो किया था कि जैसे एक तोता था, वो क्या नाम, कबूतर था, वो मरा हुआ था, उसे जिंदा किया था इन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी जो क्रिया है शमशान की क्रिया है उनसे। तो अभी हम आए हैं माता जी के पास, तो जानते हैं आज इनकी जो क्रिया है किस तरह की क्रिया है। माता जी जय महाकाल। जय महाकाली। माता जी आप ना सबको एक बार अपना नाम बता दीजिए हमारे जो। हाँ, मंजू पूजा अघोरी मेरा नाम, महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से हो। हाँ, मुंबई। अभी आप गोवर्धन में है, कितना समय अभी हो गया? इस समय गोवर्धन पे हमें एक साल दो साल तो हो गए होंगे। ये कुंभ के मेला से आई थी मैं यहाँ। अच्छा, कुंभ के मेला में यहाँ। हाँ, जहाँ मेरा कुंभ मेला में प्रस्थान था वहाँ से अब पुचरी के लोटा पे गुफा खोदी थी, गुफा पे से फिर वहाँ से गुफा मेरे बंद करवा दी गई जलन के मारे जनता। अच्छा, एक ने बात बताइए, आपने जो जो कबूतर था वो मरा हुआ जिंदा किया था, वो अंदर गड्ढे में से निकला था। अच्छा, जो अंदर था सेम, तो उसको मेरी माँ ने बोला था इस बच्चे को निकालने के लिए, तो मैंने निकाला था। अच्छा, उसको पाला भी मैंने, वो रखा भी है वो, पर उड़ा दिया मैंने उस पंछी को। अच्छा, वो तो आपने जिंदा किया और हाँ, उड़ा दिया। उड़ा दिया क्योंकि वो पंखी उड़ने वाला था ना, तो जाने दो उसको, उसको मैंने छोड़ दिया। जनता ने बोला पक्षियों को छोड़ दो, अच्छा, तो उसको मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने सांप को भी पकड़ा था, इसने मेरा ये भाई ने सांप भी छुड़वा दिया, पूछी सामने। अच्छा, बैठा है। फिर इसकी माँ करण से मर गई। अच्छा, तो इसको मैंने बंदर को बचाया, मेरे रानी को। अब ये हमारी रानी है, लड़की है। अच्छा, जैसे दुनिया हनुमान जी को बजरंग बली को रखते हैं, ऐसे हम इस रानी को अपने बच्ची की तरह रखते हैं। अच्छा, और ये एक कन्या है जो इसका आशीर्वाद लेगा, क्योंकि ये पड़ी हुई हमारी कन्या है। अच्छा, जैसे भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं उनका भी आप इलाज वगैरह? हाँ, करती हूँ मैं। अच्छा, तो कैसे इलाज करते हो, शमशान में जाके करते हो या फिर नॉर्मल? शमशान में भी, नॉर्मल भी करती हूँ, जैसे घर में भी क्रिया जाके करती हूँ। अच्छा। हाँ, जरूरी नहीं कि शमशान में करना चाहिए, जैसे शमशान की क्रिया कोई नहीं आ सकता है तो डरते हैं कोई जाने के लिए आने के लिए, तो हम उनके घर पे जाके ऐसे, मतलब जैसे आज हम इनके घर पे बैठे ना, तो 7 दिन के लिए मेरा भाई कथा करता है, 7 दिन के अंदर मैं काम कर देती हूँ, जैसे ज्यादा प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। अच्छा, अच्छा। तो मैं घर परिवार में भी कर जो होते हैं, वो तो मांस वगैरह खाते हैं, आप भी मांस? अरे नहीं, हम मांस वगैरह का हम तो भोजन भी नहीं करते, हमारा तो नीम का पत्ता चलता है, इसी का झाड़ा चलता है। हमारा नीम का झाड़ा चलता है, नीम पत्ता चलता है, मेरी चाय चलती है। ये नहीं कि खान पीन से अघोरी बनता है, ये है ना दिखावट है, जो मतलब ये दिखाने से क्या है, उनको खाने का, उनकी मतलब खाने का भावना होती है ना, तो खाना चाहिए उनको। तो अच्छा, आप बस नीम के पत्ते खाती हैं और कुछ? हाँ, नहीं खाती? नहीं, और खाना कुछ वगैरह नहीं, कुछ नहीं, 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 तो इससे कैसे पेट भर जाता होगा? ये मेरे को सांप वगैरह काटते इसलिए मेरे पे जहर चढ़ा रहता है, इसलिए मैं कई डॉक्टर पे नहीं जाती इलाज करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरी माँ गाली देती, काम नहीं करने देती, मतलब डॉक्टर सुई लगा नहीं देती है, तो चिड़ जाती है। कितने समय से नहीं खाया? मेरा तो बचपन से ऐसा है, छोटेपन से मैंने माँ भवानी की साधना करी है। अच्छा, तो उन्हीं के साधना पे मैं चल रही हूँ, जैसे तब से नीम के पत्ते। हाँ, मेरा तो नीम ही चलता है, क्योंकि मेरी नीम वाली मैया करौली वाली केला देवी है। अच्छा, मैं अपने माँ भवानी पे विश्वास करती हूँ, काली माता पे। जो माँ पे विश्वास करता है, जो ठाकुर जी पे, गिरिराज जी पे विश्वास करता है, उसे कहते हैं ना, ठाकुर जी के भजन कीर्तन में भूख प्यास नहीं लगती। जब माँ के स्वयं तुम भक्ति करोगे तो भूख प्यास की इच्छा नहीं रहेगी, स्वयं भक्ति बनो तभी तो तुमको शक्ति मिलेगी। जब तुम भक्ति ना करो तो तुम मांस मदर तो खाओगे ना। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे हाँ, मतलब बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जो वसीकरण जो होता है। हाँ, क्या होता ये है? कर देते हैं लोग, अघोरी लोग, ये है ना गंदी चीज खाते ना, गंदे गंदे काम करवाने के लिए गंदे कर्म करते हैं ये। अच्छा, आप कर देते हैं वसीकरण जो? नहीं, वसीकरण करते पर हम गंदे कर्मों से नहीं करते। अच्छा, उसका खत्म करते वसीकरण। दोबारा कोई इंसान तांत्र क्रिया नहीं करे, जो भी मेरे से करके जाएगा तो वैष्णवी होगा। अच्छा, दोबारा मतलब या कि तांत्र क्रिया उस पर करो, उसकी क्रिया उस पर करो, ये ऐसे करने से क्या, वे धन दौलत कमाते। मेरे पास जो आएगा मेरे पे क्रिया करेगा वो दोबारा को पे जाएगी ना, ना तो कभी होगी। अच्छा, मतलब आप जो वसीकरण करेंगे उसका कोई काट वगैरह भी नहीं कर सकता ये? उसका है? कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, दोबारा कोई, अब जैसे किसी ने क्रिया किसी पे कर रखी है गंदी संदी, हम उसका भोगन दे देंगे, जैसा उसका होगा वैसे दे देंगे। फिर मैं अपनी क्रिया से मैं सात्विक नीम का झाड़ा लगाऊंगी और मैया से दुआ करूंगी कि माँ दोबारा मेरी नाग देवी होती मनसा देवी, जो सर्प वाली देवी, क्योंकि उसका जहर काटा हुआ कभी, क्योंकि मैं अपना बल चढ़ाती हूँ, मेरा नीम का जहर का बल होता है, तो अच्छा, मेरा सांप का जहर तुम कहाँ से लाओगे?
बल कहते हैं मेरा बल जहर का खून का जो नीम का कड़वाहट रहता है, तो मेरा खून कहीं नहीं ला सकता है। अच्छा। इस संसार में से मेरा बुन तो ला ही नहीं पाओगे ना, इसलिए मेरा तंत्र क्रिया हुआ जो मेरा खुद का बल का करूंगी, जो धुना पे थोड़ा सा भी बल लगा दूंगी उसके नाम से क्रिया कर दूंगी ना, तो वो कभी खून मेरा मिल नहीं सकता है, कभी जिंदगी में वो उल्ट के क्रिया नहीं कर सकता है। ये है आ रही है जो दोबारा मतलब वो क्रिया हो नहीं सकेगी। अच्छा अच्छा एक चीज बताइए, ये आपने ये फरसा रख रखा है, इधर तलवार रख रखे, इससे क्या काट पीट करते हैं? इससे मतलब रात में कोई आता है, गुंडे लोग होते बहुत सारे। अच्छा। कि मेरे को नंबर सट्टे के लिए आते हैं। अच्छा, तो इनसे मतलब उन पे प्रहार कर देते हैं? नहीं, जब मेरे से कोई टॉर्चर करो, मैं मारती नहीं, ये मेरी माँ का अस्त्र है, मैंने कभी इंसान पर हाथ नहीं उठाया। मेरी माँ ने बोला ये दुनिया गलत है तो तुमको गलत नहीं बनना, क्योंकि माँ कभी अस्त्र उठाने के लिए वस्त्र नहीं देती है। जब हम पे कोई गलत पर प्रहार करेगा तो भी मैं, मेरे को कितने जनता ने सट्टे नंबर के चक्कर में भी वार किया, मेरे को मारा पीटा, मेरा सामान छुड़ा, फिर भी मेरी माँ ने बोला तुमको नहीं मारना है। अच्छा। क्या तुम चाहे कितना भी मार खा लो, तुम्हें लग भी जाएगी ना तो भी कुछ, मेरे से तो तलवार के हाथ, ये देखो हाथ भी टूट गया, ये बहुत लड़ाई पीट होती है मेरी, ये दिल्ली से अभी एक्सरे वगैरह हुआ, ये मेरे से बहुत कुछ होता है, फिर भी मैं माता रानी पे विश्वास करती हूँ। टूट कर भी जुड़ जाता है, मेरा एक्सरे भी दिखाऊंगी ना तो सपा टूटाट है रखा है अलग। अच्छा। और फिर ऐसे के ऐसी हूँ अब, ये मतलब होता नहीं, पर ये एक बार किसी घर क्रिया करने गई थी मुरैनी साइड पे, तो जब सवारी आती है ना फिर वो कुछ नहीं देखती, वो अपने आप सही कर देती है, मुझे आवश्यकता नहीं है, वो तो जबरदस्ती से मेरे को हॉस्पिटल में ले जाती है, बाल फाल कटवा दिए, जब मेरे को लग गया था अभी ये आँख फाँख में लग गई ना, तो ऐसी लड़ाई हो जाती, मेरे को दुनिया मारती पीटती, फिर भी मेरे को कोई, क्योंकि मैं पुलिस पे जाती तो मेरी रिपोर्ट नहीं लेती है। अगर आपसे ये लोग मतलब मारपीट करते हैं तो आप, जैसा कोई नंबर सट्टा दे दूँ, सकती है तो सकती से कुछ भी कर सकते? नहीं, ये बात नहीं बेटा, तुम लोगों में जितनी ताकत है मारो हमको, फिर भी हम जिंदा दिख जाएंगे तुमको। क्या मारना, कभी माँ ने नहीं बोला कि तुम मारो, तो ये अहंकार क्रोध हो गया ना जो माँ के बल पे चल, मतलब मेरे को तो मैं चाहूँ तो जो मेरे से कुछ करे तो माँ से तंत्र विद्या करके मैं तुरंत खत्म कर सकती, पर मेरे माँ ने ये नहीं बोला, हमको कोई ऐसी क्रिया नहीं करना जो हम पर दूसरा वार करे, हम उस पर वार करे, तुम मारो हमको, मारना चाहते जितना मारो, आखिर तुम कहू ना कहू माँ के शरण में जरूर जाओगे, ढोक जरूर लगाने जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है आपकी, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी क्रिया का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने जैसा कि बताया कि इनके पास मतलब कई बार इनसे मारपीट भी की है, और शक्ति होने के बाद भी आप सुन रहे हैं इनकी बातें कि ये गलत प्रयास नहीं करती नहीं उनका कि किसी पर किसी का गलत कर दे, तो हीन हो जाएगी ना। तो माता कभी आप जिनकी पूजा करते हो शमशान में हो या पर बल नहीं लेती है माता जो है किसी की भी आप जैसे साधना करते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि आप अपनी क्रिया का गलत इस्तेमाल करो, हमेशा लोगों की भलाई के लिए ये सब करो। तो ऐसी वीडियो में लेके आता रहूंगा, और वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।